हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में हम लोग फोर्थ सीरीज कर रहे थे। फोर्थ सीरीज को ही आगे कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में विल बी गोइंग टू कवर आमेर फोर्ट। आमेर फोर्ट यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है उसके अंदर इंस्क्रिप्ट है। टोटल 6 फोर्ट्स थे ना। कौन से सेशन में हुए थे इंस्क्रिप्ट? हम फर्स्ट वीडियो में हमने इसके बारे में बात की थी, है ना? तो कौन से सेशन में थे? वेरी वेल सेड, 37th सेशन ऑफ यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है उसका 2013 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? फिनोम फे, कम्बोडिया में। तो इसके जो 5 फोर्ट्स हैं वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम 6th और लास्ट फोर्ट कवर करने वाले हैं, विच इज आमेर फोर्ट। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। आमेर फोर्ट, आमेर फोर्ट को अंबर फोर्ट भी कहते हैं, जैसे आपको पता ही है, जयपुर के अंदर ये लोकेटेड है। तो पहले देखते हैं ये फोर्ट कौन सी कैटेगरी में आता है, क्योंकि फोर्ट को पढ़ने का हमने एक सीक्वेंस देखा हुआ है ना। तो कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है? हिल कैटेगरी में आता है। सो विच मीन्स ये कौन सी हिल के ऊपर लोकेटेड है, अब ये चीज़ देखते हैं। सो आमेर फोर्ट जो है विच इज लोकेटेड ऑन काली खो हिल, या फिर चील का टीला भी बोलते हैं, ठीक है? काली खो हिल के ऊपर लोकेटेड है, या फिर इसे चील का टीला भी कहते हैं। किसने बनवाया था? सेकेंड थिंग, हु बिल्ट दिस फोर्ट? ये फोर्ट बनवाया था मिर्जा राजा मानसिंह ने। किसने बनवाया था? बिल्ट बाय मिर्जा राजा मानसिंह, ठीक है? मानसिंह जी ने बनवाया था इसे। कब बनवाया था? इन 1592 AD। 1592 में बनवाया था मिर्जा राजा मानसिंह ने इस फोर्ट को। ये जो फोर्ट है आमेर फोर्ट, दिस वॉज द जो कछवाहा डायनेस्टी, क्योंकि हमें पता है ये वाला जो रीजन था यहाँ पे कछवाहा डायनेस्टी ने रूल किया था, तो ये कछवाहा डायनेस्टी की कैपिटल भी थी। दिस वॉज द कैपिटल ऑफ कछवाहा रूलर्स ऑल्सो। इनफैक्ट आपको पता होगा कि जो कछवाहा डायनेस्टी है उसकी टोटल 4 कैपिटल्स रही हैं। जो फर्स्ट कैपिटल थी दैट वॉज दौसा, पहली कैपिटल दौसा थी, सेकेंड थी मांझी, जिसको फिर रीनेम कर दिया गया था एज रामगढ़, है ना? और उसी रामगढ़ को बाद में रीनेम कर दिया गया जमवा रामगढ़ नाम से। जमवाई माता, जो कि कछवाहा डायनेस्टी की कुल देवी हैं, उनके नाम पे उसे जमवा रामगढ़ कर दिया गया। थर्ड थी हमारी ये आमेर फोर्ट, जो आमेर था ये थर्ड कैपिटल थी। एंड फोर्थ एवरीबडी नो जयपुर, है ना? 1727 से जयपुर है। तो यहाँ तक बात हो जाती है, कालीखो पहाड़ी पर है। और दिस इज बिल्ट बाय हुम? बिल्ट बाय मिर्जा राजा मानसिंह। और कब बनवाया था? 1592 में। एंड दिस रिमेन द कैपिटल ऑफ कछवाहा डायनेस्टी, ठीक है? इसके कुछ ना ओल्ड नेम भी मिलते हैं, वो क्या है इसके ओल्ड नेम? इसके ओल्ड नेम है अंबावती एंड अंबिकापुर, ठीक है? अंबावती एंड अंबिकापुर। अब ये नाम कैसे पड़ा? देखो, अंबिकापुर जो नाम है वो कछवाहा डायनेस्टी के जो कुल देवता हैं उनका नाम है अंबिकेश्वर महादेव, है ना? तो अंबिकेश्वर महादेव जो हैं वो कछवाहा डायनेस्टी के कुल देवता माने जाते हैं, तो उनके नाम पे पड़ा अंबिकापुर। और अंबावती, ये दुर्गा माता का जो नाम होता है अंबा, उसके हिसाब से है। और अंबिकापुर जो इनके कुल देवता हैं अंबिकेश्वर महादेव, उनके नाम पे पड़ा अंबिकापुर। थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना। इसका एक और भी नाम है, देयर इज अनदर नेम। जैसे कि हमने बाकी निकनेम्स वगैरह देखे थे और फोर्ट्स के, तो वैसे ही आमेर का भी एक और नाम है जिसे बोला जाता है कोकिलगढ़। क्या नाम है? कोकिलगढ़। अब कोकिलगढ़ नाम कैसे पड़ा इसका? देखो, आमेर को क्या है, कोकिल देव ने ही एक्चुअली कैप्चर्ड आमेर फ्रॉम मीनाज इन 1207। तो कोकिल देव जो था उन्होंने मीनाओं को हरा करके जो आमेर है उसे कैप्चर कर लिया था 1207 में। 1207 में इन्होंने, कोकिल देव ने कैप्चर कर लिया था, ठीक है ना? कोकिल देव कैप्चर्ड इट फ्रॉम मीनाज। पहले मीनाओं के पास में था ये, कैप्चर्ड इट फ्रॉम मीनाज इन 1207। इस वजह से इसका नाम कोकिल देव पे इसका नाम पड़ा है कोकिलगढ़। क्लियर है यहाँ तक?
कोकिल देव से नाम हुआ कोकिलगढ़, और अंबिकेश्वर महादेव जो कि कुल देवता है उनके नाम पे पड़ा अंबिकापुर नाम। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब एक और चीज देखते हैं। इस फोर्ट के बारे में कुछ फेमस स्टेटमेंट भी कहे गए हैं। इस फोर्ट के बारे में ध्यान रखना, बिशप हैबर ने क्या कहा था इस फोर्ट के बारे में। बिशप हैबर सेड, बिशप हैबर ने इनफैक्ट इसे कंपेयर किया था विथ क्रेमलिन। बिशप हैबर ने इसे कंपेयर किया था क्रेमलिन के से, इस फोर्ट का कंपैरिजन किया था। बिशप हैबर कौन है? बिशप तो आपको पता है कि ये टाइटल होता है बिशप, जो आपने देखा होगा चर्च वगैरह के अंदर जो प्रीस्ट होते हैं, जो वहां पे पादरी वगैरह होते हैं, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर के होते हैं उन्हें बिशप बोला जाता है। बिशप हैबर जो है ये कैलकटा के बिशप रहे थे काफी लंबे समय तक, और इनफैक्ट ही वॉज अ पोएट ऑल्सो। इसलिए इन्होंने इसका कंपेरिजन किया था आमेर फोर्ट का किससे? क्रेमलिन से। क्रेमलिन इज अ, ये जो क्रेमलिन है ये है क्या? इट्स अ एक बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स है, और ये है मॉस्को रशिया के अंदर। इट इज़ आल्सो इंस्क्रिप्ट इन यूनेस्को's वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। ये भी यूनेस्को की एक साइट है, उसी में एनलिस्टेड है। इसी वजह से इसका कंपैरिजन, बिकॉज ऑफ इट्स आर्किटेक्चर एंड एवरीथिंग, इस वजह से इसका कंपैरिजन किया गया था आमेर फोर्ट के साथ में। क्लियर है यहाँ तक? एक और इसके बारे में फर्ग्यूशन का भी मिलता है। फर्ग्यूशन ने इस फोर्ट के बारे में कहा था, सेड कि इस फोर्ट के अंदर एक आपको एंट्रेंस गेट जो है उसका नाम है गणेश पोल। इन्होंने कहा था फर्ग्यूशन ने कि जो गणेश पोल है इस फोर्ट का, वो वर्ल्ड का बेस्ट एंट्रेंस गेट है। ठीक है, फर्ग्यूशन सेड कि जो गणेश पोल है बेस्ट एंट्रेंस, इस वर्ल्ड बेस्ट एंट्रेंस गेट, पूरे वर्ल्ड का बेस्ट एंट्रेंस गेट। क्लियर है? बिशप हैबर ने क्या कहा था? बिशप हैबर ने कंपेयर किया था किसके साथ में? क्रेमलिन के साथ में। और जो फर्ग्यूशन है इसने कहा था कि ये जो फोर्ट है इसका जो मेन एंट्रेंस गेट है गणेश पोल, वो वर्ल्ड का बेस्ट एंट्रेंस गेट है। तो हमने देखा कालीको हिल के ऊपर ये लोकेटेड है। कौन सा? आमेर फोर्ट, है ना, कालीको हिल के ऊपर लोकेटेड है। और चील का टीला भी जिसे बोला जाता है, बनवाया किसने था? बनवाया था इसे मिर्जा राजा मानसिंह ने। कब बनवाया था? 1592 में। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने देखा था इसके कुछ ओल्ड नेम भी हैं। ओल्ड नेम में हमने देखा अंबावती और अंबिकापुर, है ना, अंबावती और अंबिकापुर। अंबिकापुर नाम किस पे है? अंबिकापुर नाम है अंबिकेश्वर महादेव जो कि कुल देवता हैं आमेर के, जो कछावा डायनेस्टी है उनके, उनके नाम पे पड़ा है। इसका हमने एक अनदर नेम भी देखा है जो कि है आपका ये कोकिलगढ़ जो है, कोकिलगढ़, बिकॉज कोकिल देव कैप्चर्ड इट फ्रॉम द मीनाज इन 1207 एंड उसके बाद से जो आमेर है वो कैपिटल बन गई थी इनकी, जो कछावा डायनेस्टी है उनकी। ठीक है, तो ये कछावा रूलर्स की कैपिटल भी रही हुई है। इसके बारे में बिशप हैबर ने कहा कि ये, इसको कंपेयर किया क्रेमलिन के साथ में। और जो ये फर्ग्यूशन है ही एक्चुअली सेड कि जो गणेश पोल है यहाँ पे, दैट्स द वर्ल्ड्स बेस्ट एंट्रेंस गेट। क्लियर है यहाँ तक? आगे चले अब, आई होप दिस इज क्लियर। अब आगे बात करते हैं, मैं रब कर रही हूं इसे यहां से। हाँ, तो अब चलते हैं इस फोर्ट के अंदर। देखो इस फोर्ट के अंदर, क्योंकि अब फोर्ट के अंदर ही चलेंगे, है ना, इस फोर्ट के अंदर सबसे पहले तो हम क्या देखते हैं किसी भी फोर्ट में? गेट, है ना, एंट्रेंस गेट देखेंगे, जो कि आप मुझसे ज़्यादा सुंदर बनाते हो, है ना। चलो, एंट्रेंस गेट जो कि हमने, जिसका कंपैरिजन फर्ग्यूशन ने किया था कि भाई ये वर्ल्ड का बेस्ट गेट है उसके बारे में कहा था, तो वो कौन सा है? गणेश पोल। ये इसका मेन एंट्रेंस गेट है आमेर फोर्ट का, गणेश पोल। और ये किसने बनवाया था? ये बनवाया था मिर्जा राजा जय सिंह ने। ठीक है, मिर्जा राजा जय सिंह ने बनवाया था। ध्यान रखना, मानसिंह ने बनवाया था ये फोर्ट, मिर्जा राजा मानसिंह ने ये फोर्ट बनवाया था। और ये जो गेट है गणेश पोल है, ये बनवाया था मिर्जा राजा जय सिंह ने, मानसिंह ने नहीं। ठीक है,
इसके बाद में हम किसी भी पैलेस में क्या चीजें देख रहे हैं, जैसा हमारा सीक्वेंस रहा है उसमें हम लोग पैलेस देखते हैं यहाँ पे, है ना। Why I am following this method only? Because इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, अदरवाइज हैपजर्ड वे में करेंगे तो सारे फोर्ट्स मिक्स हो जाएंगे आपस में, कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना, कि किसमें क्या था किसमें क्या नहीं है। तो इसके अंदर देखो तीन इंपॉर्टेंट पैलेसेज हैं जो हमें याद करने हैं। एक है इसके अंदर कदमी महल, ठीक है, एक एक करके देखते हैं चलो। एक है इसके अंदर कदमी महल, कदमी महल, कदमी पैलेस बोल दो। कदमी महल जो है, दिस इज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग पैलेस ऑफ इंडिया। ये जो पैलेस है ये आमेर फोर्ट बनने से पहले ही वहां पे मौजूद था, क्योंकि ये रामदेव ने बनवाया था। हु बिल्ट दिस? रामदेव ने इसे बनवाया था और ये आमेर फोर्ट बनने के पहले से वहां पे यहाँ पे बना हुआ था, इसके बाद में आमेर फोर्ट बना है, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग पैलेस ऑफ इंडिया, कदमी महल। वाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट? बिकॉज यहाँ पे जो आमेर के रूलर्स हैं उनका कोरोनेशन किया जाता था, विच मीन्स जो आमेर के राजा हैं उनका राज तिलक यहाँ पे होता था। तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, यहाँ पे कोरोनेशन ऑफ आमेर रूलर्स, और बनवाया किसने था, रामदेव ने बनवाया था, ठीक है। कदमी महल, कदमी महल के बाद में यहाँ पे एक हमें देखने को मिलता है शीश महल। शीश महल, शीश महल, ये जो शीश महल है, देखो राजस्थान के अंदर जो इतने सारे फोर्ट्स हैं, शीश महल तो काफी हैं, बट यहाँ का जो आमेर फोर्ट का जो शीश महल है ये राजस्थान का बेस्ट शीश महल है, राजस्थान का बेस्ट शीश महल, महल। शीश महल, ठीक है, ये राजस्थान का बेस्ट शीश महल है, यहाँ का जो शीश महल है। इसके अलावा एक यहाँ पे है सुख निवास पैलेस। क्या है? सुख निवास पैलेस। इस सुख निवास पैलेस की सिग्निफिकेंस क्या है? द सुख निवास पैलेस जो है यहाँ पे आर्टिफिशियली कूल क्लाइमेट क्रिएट किया हुआ है, जैसे कि कुछ रूम्स बने हुए होते हैं तो यहाँ पे क्या है, आर्टिफिशियली ही कूल क्लाइमेट क्रिएट कर रखा है, कि जैसे जब एक वाटर बॉडी है पानी पर से होकर के जब हवा आती है तो उससे क्या होता है, जो आसपास का एरिया है वहाँ पे एक कूल क्लाइमेट क्रिएट होता है। सो इस वजह से सुख निवास पैलेस जो है वो काफ़ी मतलब ये इसकी सिग्निफिकेंस है सुखनिवास पैलेस की, कि यहाँ पे आर्टिफिशियली कूल क्लाइमेट क्रिएट करता है, किया जाता है। सो व्हेन द विंड्स ब्लो ओवर अ वाटर कैस्केड सो इट प्रोवाइड्स अ कूलिंग एटमॉस्फेयर। क्लियर है यहाँ तक? सुखनिवास, तो तीनों हमने महल देख लिए, कदमी हो गया, शीश महल हो गया, कदमी महल जहाँ पे कोरोनेशन किया जाता है राजस्थान के जो रूलर्स हैं, सॉरी राजस्थान के नहीं, जो आमेर के जो रूलर्स हैं इनका कोरोनेशन किया जाता था कदमी महल के अंदर। शीश महल देख लिया, राजस्थान का बेस्ट शीश महल है। फिर हमने सुख निवास पैलेस देखा जहाँ पे आर्टिफिशियली कूल क्लाइमेट क्रिएट किया जाता है। अब देखते हैं कुछ टेम्पल्स, यहाँ पे, देखो तीन इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके अलावा जैसे ये तीन पैलेस हैं, इसके अलावा दीवाने आम, दीवाने खास वो भी हैं यहाँ पे, बट वो काफ़ी जगह पर है तो इसलिए हम उसके बारे में इतना ज़्यादा, जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है जो एक एक जगह पर ही है वही चीज़ें जनरली पूछी जाती हैं, ठीक है। अब पैलेस यहाँ पे, सॉरी जो टेम्पल्स हैं, टेम्पल्स की बात करें तो तीन इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स हैं। एक यहाँ पे है शिला माता का टेम्पल, एक यहाँ पे है जगत शिरोमणि टेम्पल, ठीक है, इस तरीके से टेम्पल हैं। तो पहले देखते हैं यहाँ पे है शिला माता का टेम्पल, शिला माता टेम्पल। ये शिला माता का जो टेम्पल है, आपको पता होगा शिला माता जो है वो क्या है, ये कछावा डायनेस्टी की आराध्य देवी है ना, क्योंकि इनकी कुल देवी कौन है, जमवाय माता, जिनके नाम पे पड़ा जमवा रामगढ़, तो वो तो हो गई कुल देवी। मैंने ये लास्ट वीडियो में, एक वीडियो में बताया हुआ है कि कुल देवी और आराध्य देवी में डिफरेंस क्या होता है। इंग्लिश में तो आपको एक ही तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, बट दोनों में डिफरेंस होता है। कुल देवी वो होती है जिनका जन्म जो है वो उसी क्लैन के अंदर उसी कुल में हुआ होता है, आराध्य देवी वो होती है जिनका जन्म उसमें नहीं हुआ होता है बट उन्हें उनकी आराधना की जाती है, उनकी पूजा की जाती है, इस वजह से उन्हें आराध्य देवी बोलते हैं। तो शिला माता का जो टेम्पल है ये किसने बनवाया था, ये बनवाया था मिर्जा राजा मानसिंह ने,
मिर्जा राजा मान सिंह ने। इनफैक्ट इसके बारे में अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि बंगाल एक्सपेडिशन के दौरान जब ये गए थे तब वहाँ से ये शिला माता की मूर्ति लेकर के आए थे। अगर नहीं पढ़ा है तो जस्ट एक सेकंड में बता देती हूँ, जब बंगाल एक्सपेडिशन हुआ था ये वहाँ पे गए थे मिर्जा राजा मानसिंह, तो वेस्ट बंगाल तो इन्होंने मतलब अटैक किया था और इजीली कैप्चर कर लिया था, बट जब ईस्ट बंगाल की बात आई तो वहाँ पे जब इन्होंने अटैक किया ढाका पे, वहाँ के जो रूलर हुआ करते थे उस ईस्ट बंगाल के, दैट वाज केदार कायत, जिन्हें कई जगह पे केदार राय भी लिखा हुआ है। तो जब इन्होंने अटैक किया, ही अटैक 20 times बट इट रेंडर्ड फ्यूटाइल, 20 बार इन्होंने अटैक किया बट कुछ मतलब हासिल नहीं हुआ, वो कैप्चर नहीं कर पाए। देन ही गॉट टू नो, तब इन्हें पता चला कि जो केदार कायत है उनके पास में एक ऐसी मतलब मूर्ति है, एक ऐसा आइडल है माता का जिसको इस तरीके का वरदान मिला हुआ है कि भाई अगर कंटिन्यूसली इनकी वर्शिप कोई करता रहेगा, कंटिन्यूसली अगर इनकी पूजा होती रहेगी तो कभी भी कोई भी बैटल हो, कोई भी युद्ध हो, उसके अंदर आप हारोगे नहीं। तो जब पता चलता है तो देन मतलब जो मानसिंह है ही क्रिएट सम हर्डल्स और वो उस तरीके से पूजा वगैरह उनकी करते हैं और फिर उसके बाद में ही एक्चुअली डिफीटेड केदार कायत एंड फाइनली वो ये जो जो शिला माता की जो मूर्ति होती है वो अपने साथ लेकर के आ जाते हैं आमेर के अंदर। वैसे ये भी था कि हुगली में उसे फेंक दिया जाता है, फिर बाद में जसोर से लेकर के आते हैं उसे वापस निकलवा करके, बट दैट डिटेल्स इज नॉट फॉर आर मतलब हमारे काम की चीज़ें नहीं है वो इतनी ज़्यादा। आप बस इतना ध्यान रखना कि ये मिर्जा राजा मानसिंह जो हैं वो बंगाल एक्सपेडिशन के दौरान वहाँ से शिला माता की मूर्ति लेकर के आए थे और कहाँ पे, आमेर फोर्ट के अंदर, और आमेर फोर्ट के अंदर से रखा था मंदिर बनवा करके, और ये इनकी आराध्य देवी है। ठीक है, शिला माता हो गया। शिला माता के बाद में एक यहाँ पे है सुहाग टेम्पल, सुहाग टेम्पल, ठीक है, सुहाग टेम्पल है एक यहाँ पे, जो वहाँ की जो रानियाँ वगैरह है वो सब पूजा करती थी, यही इसका है मेनली। और एक है यहाँ पे जगत शिरोमणि टेम्पल, शिरोमणि टेम्पल, ये किसने बनाया बनवाया था, ये जगत शिरोमणि टेम्पल जो है ये मिर्जा राजा मानसिंह की जो वाइफ है कनकावती, इट वॉज बिल्ट बाय कनकावती, ये कनकावती ने बनवाया था अपने बेटे की मेमोरी में। ठीक है, इनका बेटे की डेथ हो गई थी तो उसकी मेमोरी में इन्होंने जगत शिरोमणि टेम्पल बनवाया था, जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया था, कहाँ पे, आमेर फोर्ट के अंदर, कनकावती जो कि मिर्जा राजा मानसिंह की वाइफ थी उन्होंने अपने बेटे की मेमोरी में ये टेम्पल बनवाया था। अब ये जो टेम्पल है ये एक्चुअली में देखा जाए तो भगवान कृष्ण का, लॉर्ड कृष्णा टेम्पल है ये, और इसके अंदर इसे इनफैक्ट मीरा टेम्पल भी बोला जाता है। वाई, बिकॉज इसके अंदर जो कृष्ण भगवान की मूर्ति है वो वही वाली मूर्ति है जो चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर मीराबाई जिसकी पूजा करती थी, तो वही वाली मूर्ति है यहाँ पे, इसलिए इसे मीरा टेम्पल भी कहा जाता है। ये है वैसे भगवान कृष्ण का टेम्पल और जगत शिरोमणि टेम्पल क्योंकि बेटे की याद में बनवाया था इस वजह से। क्लियर है यहाँ तक? एक यहाँ पे देखने को मिलता है, एक यहाँ पे इस तरीके का जलेबी चौक है, जलेबी चौक, ध्यान रखना जलेबी चौक कहाँ पे है, जलेबी चौक है यहाँ पे आपका आमेर फोर्ट के अंदर। एक यहाँ पे इस तरीके से एक लेक मिलती है जिसका नाम है माउटा लेक। ये माउटा लेक जो है दिस इज द सोर्स ऑफ वाटर फॉर दिस जो आमेर पैलेस है उसके लिए सोर्स ऑफ वाटर है ये, फॉर आमेर पैलेस माउटा लेक। क्लियर है माउटा लेक? यहां तक क्लियर है? मेन चीजें इस फोर्ट के अंदर के यही है कि एक तो गणेश पोल सबसे पहले जो कि जयसिंह ने बनवाया था, फिर उसके बाद में हमने 3 इंपॉर्टेंट पैलेस देखे, और भी हैं खैर, बट हमने 3 जो इंपॉर्टेंट पैलेस, एक तो कदमी महल देखा, देन वी हैव सीन शीश महल एंड देन सुखनिवास पैलेस, फिर उसके बाद में हमने कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे टेम्पल्स देखे, शिला देवी, शिला माता का टेम्पल आता है यहाँ पे, जगत शिरोमणि टेम्पल है, और कौन सा है, और है सुहाग टेम्पल, एक यहाँ पे जलेबी चौक है, एक यहाँ पे माउटा लेक है। अब इस फोर्ट के बारे में यहीं पे ये देख लो, दिस फोर्ट वॉज कैप्चर्ड बाय हूम इन 1707, क्योंकि कोई साका वगैरह कुछ एसोसिएटेड है नहीं इसके साथ में, तो इसलिए यहीं पे ही एक लाइन में ही देख लेते हैं, इन 1707 बहादुर शाह
इन 1707 बहादुर शाह कैप्चर्ड इट एंड रीनेम इट एज मोमिनाबाद. तो ध्यान रख लेना, बहादुर शाह ने 1707 में इसे कैप्चर किया था और इसका नाम क्या रख दिया था, मोमिनाबाद. तो मोमिनाबाद किस फोर्ट का नाम रखा गया था चेंज करके, आमेर फोर्ट का. किसने रखा था, बहादुर शाह ने, क्योंकि उसने कैप्चर कर लिया था. सो दिस इज ऑल अबाउट आमेर फोर्ट. ये पूरा आमेर फोर्ट के बारे में है. अब यहाँ तक हम लोग इस वीडियो तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर टोटल 6 फोर्ट्स जो इंस्क्रिप्ट हैं वो हम लोग कवर कर चुके हैं. अब इसके आगे खैर और भी इम्पॉर्टेंट फोर्ट्स हैं कुछ राजस्थान के, वो उसमें से जो कुछ इम्पॉर्टेंट फोर्ट्स हैं वो मैं आगे आपको करवा दूंगी इसी सीरीज़ के अंदर. ठीक है जी, थैंक यू सो मच एंड टिल देन स्टे कनेक्टेड. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.